दोस्तों स्कूल के एग्ज़ाम चले हुए थे और एक लड़का अपनी बहन की नकल फेंक रहा था, तभी वह नकल दूसरी लड़की को जा लगती है और दूसरी लड़की को लगता है कि इसने लव लेटर फेंका है। उसके बाद होता है मौत का तांडव और उस लड़के की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है बिहार के भोजपुर की। बिहार के भोजपुर में एक दया नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 14 साल है, अपने माँ बाप के साथ आराम से रहा करता है। तो उसके माँ बाप को उसकी पढ़ाई की चिंता होती है तो उसको आरा के एक हॉस्टल में डाल दिया जाता है, वहाँ रहकर वह पढ़ाई कर रहा होता है। तभी क्या होता है, दया के चाचा की लड़की का 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम था तो उसको घर बुला लिया जाता है और जो उसके माँ बाप होते हैं वह कहते हैं कि अपनी बहन की नकल वगैरह फेंक आना। तो यहाँ पर क्या होता है, दया अपनी बहन के साथ एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाता है और जब उसकी बहन अंदर पेपर दे रही होती है तो वह खिड़की से एक पर्ची फेंकता है, लेकिन वह पर्ची गलती से किसी दूसरी लड़की को जा लगती है और वह लड़की उस पर्ची को बिना पढ़े ही उस लड़के को नोटिस कर लेती है और उसको लगता है कि इसने लव लेटर मेरी तरफ फेंका है। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो बाहर जाकर वह लड़की अपने भाइयों को बता देती है। उसके भाई के साथ 5 लड़के और थे, तो जैसे ही दया का स्कूल से बाहर निकलता है तो 5 लड़के दया को घेर लेते हैं, उसके ऊपर पिटाई लगाई जाती है और सारे स्कूल के बच्चे खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर उसको पीटते पीटते अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों 13 अक्टूबर का एग्ज़ाम था और पीटते पीटते उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं और फिर वह लड़का गायब हो जाता है, घर पर नहीं पहुँचता है। उसके घर वाले उसको ढूंढते हैं कि आखिर गया तो गया कहाँ, उसको कहाँ ले गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 18 अक्टूबर को उस लड़के के 4 टुकड़े हुए रेलवे ट्रैक पर मिलते हैं और जैसे उस लड़के के 4 टुकड़े मिलते हैं तो आस पड़ोस की जो पब्लिक होती है उनमें आक्रोश बन जाता है और घर वाले जो होते हैं एक तरह से न्याय की डिमांड करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे बेटे को किसने मारा है, उन आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर एक लड़के की जान चली जाती है सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को कभी भी नकल वगैरह फेंकने के लिए नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनको उनके ऊपर जोर देना चाहिए कि पूरे साल भर अच्छी तरह से पढ़ाई करें और उसके बाद अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। नकल के भरोसे अगर एग्ज़ाम क्लियर किए जाएंगे तो आगे चलकर बच्चे को कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो कभी भी ऐसा ना करें, अपने बच्चों को पहले पढ़ाई ज़्यादा करने के लिए कहें। तो यहाँ पर एक निर्दोष बच्चे की जान चली जाती है और इसका कारण बनती है एक लड़की और उस लड़की की गलतफहमी। तो कभी भी गलतफहमी ना करें और सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।